नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की दो बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर बेंगलुरु में होने जा रही विपक्ष की मीटिंग से, वहीं दूसरी बड़ी खबर होगी दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक से जुड़ी हुई। तो बेंगलुरु की मीटिंग में विपक्ष के 26 दल शामिल हो रहे हैं। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी रवाना हो चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद राहुल और सोनिया गांधी बेंगलुरु पहुंच भी जाएंगे। उधर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव भी बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए हैं। इस बीच एनडीए की मीटिंग की तैयारियां भी जोरों पर चल रही है। एनडीए की मीटिंग में खुद पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। एनडीए की इस मीटिंग में करीब 30 दलों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। उधर बेंगलुरु की सड़कें विपक्षी नेताओं के पोस्टर से पटी पड़ी है। तस्वीरें आप देखिए। विपक्षी दलों के समन्वय को लेकर दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है और इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विपक्षी दलों के नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और बेंगलोर में सभी नेताओं के पोस्टर्स को बड़े बड़े कटआउट के शेप में पूरी राजधानी के अंदर लगाया गया है। बेंगलुरु की सड़कों को पाटा गया है और यहाँ पर खास बात यह है कि सिर्फ कांग्रेस के नेताओं का नहीं, भले ही कांग्रेस की सरकार हो कर्नाटक में, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं का ही पोस्टर नहीं है बल्कि विपक्षी दलों में जो जो भी बड़े लीडर्स हैं उन सब के कटआउट्स लगाए गए हैं, उन सभी के पोस्टर्स लगाए गए हैं। मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा बेंगलुरु की सड़कों का। आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा है बेंगलुरु की सड़कों का और यहाँ पर बड़े बड़े कटआउट्स, सिंगल कटआउट्स भी लगाए गए हैं। इसके अलावा सभी दलों के जो नेता शिरकत करेंगे इस बैठक में उन सब के पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। पूरी कोशिश ये दिखाने की कि हम सब साथ में हैं और नारा भी दिया गया है यूनाइटेड वी स्टैंड, यानी हम सब साथ में हैं और एनडी के खिलाफ इस बार 2024 की लड़ाई में हम सब साथ में रहेंगे। ये देखिए, ये वो पोस्टर्स हैं जो पूरी बेंगलोर में जगह जगह पर लगे हुए हैं और यहीं इसकी शुरुआत की जा रही है। माना जा रहा है कि इस दो दिवसीय बैठक में एक नई तरीके की रणनीति का खुलासा होगा। आने वाले समय में ये सभी दल किस तरह से जुड़ेंगे, क्या इस कुनवे में और भी नए राजनीतिक दल जुड़ेंगे, इन सब पर लेकर सबकी निगाहें टिकी होंगी। वहीं आज इसकी शुरुआत डिनर डिप्लोमेसी से की जाएगी। डिनर होस्ट किया गया है, होस्ट इस डिनर को लेकर सोनिया गांधी ने सभी नेताओं से खुद बात की थी। हालांकि ये डिनर सिद्धारमैया जो कि कर्नाटक के सीएम है उनके जरिए होस्ट किया जा रहा है और ये डिनर डिप्लोमेसी आज शाम से शुरू होगी। शाम को सभी नेता एक साथ में एक मंच पर आएंगे और वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से बात करेंगे, जिससे उस खाने के दौरान जो बर्फ पिघली हुई है, बर्फ जमी हुई है संबंधों में, उसको पिघलाया जा सके और कल खुले दिल के साथ में जब बैठक में शामिल हों तो अपने अपने मुद्दों को डिस्कस करें और बीजेपी को किस तरह से 2024 में पटकनी दें, 1-to-1 किस तरह से फाइट हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत होगी। वहीं जो नया अलायंस बन रहा है उस अलायंस का नाम क्या हो, इसको समन्वय करने के लिए किसको कन्वेनर बनाया जाए, इन तमाम इश्यूज के ऊपर भी चर्चा होना संभावित है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ प्रशांत गुप्ता, बेंगलुरु न्यूज 24। और चलिए अब सीधा बेंगलुरु का ही रुख कर लेते हैं। प्रशांत गुप्ता हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज सभी की नजर आज क्या अगले दो दिन बेंगलुरु पर ही टिकी हुई है। किस तरह से बेंगलुरु की सड़कों को सजा दिया गया है, पोस्टर्स यहां किस तरह से तमाम दलों के नेताओं के लगे हैं वो साफ तौर पर दिख रहा है। अब इस डिनर डिप्लोमेसी के लिए क्या रणनीति विपक्ष बना रहा है, किस तरह से इसकी शुरुआत होगी, कैसे समन्वय बिठाया जाएगा, क्या कुछ आज चर्चा का विशेष जो है मुद्दा वो रह सकता है इस डिनर में। देखिए, बैठक तो कल सुबह होनी है, कल 11 बजे से बैठक का सिलसिला चलेगा और 4 बजे के आसपास में उस बैठक में क्या निर्णय निकला और आगे की रणनीति क्या हुई, क्या तय हुई है, वो 26 दलों के सभी नेता एक साथ में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद रणनीति का खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल आज एक दिन पहले जो डिनर रखा गया है वो, जैसा कि मैंने पहले भी अपने रिपोर्ट में दिखाया था और बताया भी कि जो बर्फ जमी हुई है संबंधों में उसको पिघलाने की कोशिश होगी, जैसे खुले दिल के साथ में कल जब बैठक हो तो सभी लोग एक साथ में आएँ और अपने अपने इश्यूज़ पे बात करें। जैसे जो बर्फ जमी हुई थी वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जमी हुई थी, केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का पार्लियामेंट में क्या रुख होगा, इसको लेके 23 जून को काफ़ी गहमा गहमी हुई और अरविंद केजरीवाल पटना की बैठक से उठ के चले गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो भी शामिल नहीं हुए, तो उसको
उस बर्फ को पिघलाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए साफ कहा कि हम आपका अध्यादेश पे राज्यसभा में आपका सपोर्ट करेंगे। अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, भगवत मान को भी साथ में लेकर आ रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट है वो लगातार हमलावर रही, लेफ्ट पार्टीज ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर रही, पंचायत चुनावों के हिंसा को लेकर लगातार मुद्दे उठाते रहे। ऐसे में ममता बनर्जी कहीं ना कहीं नाराज थी, लेकिन सोनिया गांधी ने खुद उनसे बातचीत की। पिछले 10 दिनों से उनके पैर में चोट है, सार्वजनिक फंक्शन में दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन वो भी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ में आ रही हैं। ऐसी तमाम राजनीतिक दलों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जैसे MDMK, KDMK, ये तमिलनाडु की जो पार्टीज हैं ये 2014 में BJP के साथ में थी, NDA के अलायंस में 2014 का चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार ये भी विपक्षी दलों के साथ में आ रही हैं। तो तमाम कोशिशें हैं राजनीतिक दलों को एक साथ में लाने की, जो कहीं ना कहीं विचारधारा की लड़ाई में NDA के खिलाफ हैं, ऐसी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। और आज डिनर डिप्लोमेसी के तहत में वो सब लोग अपने खुले दिल के साथ में अपनी बातों को रखेंगे, जिससे कल जब वो औपचारिक बैठक में शामिल हों तो अपने अपने मुद्दों को रख सकें। और किस तरह से सीटों का बंटवारा हो, इस अलायंस का नाम क्या दिया जाए, इसको कन्वेनर कौन कन्वेन करेगा, कौन इसके समन्वय करेगा, उसको किसको एक कन्वेनर चुना जाए, इन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा पार्लियामेंट में जो सत्र शुरू होने वाला है उसमें अध्यादेश के खिलाफ किस तरह से, क्योंकि अध्यादेश लाया जाता है तो उसको नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में उसको बिल के तौर पर पारित करवाना अनिवार्य होता है 90 दिन के भीतर, ऐसे में वो बिल भी आएगा, तो ऐसे उस अध्यादेश को बिल को किस तरह से रोका जाए, इसको लेके भी रणनीति पर बातचीत होगी। क्योंकि जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो आने जो पार्लियामेंट का सेशन है उसमें विपक्षी दलों के क्या फंसा हुआ है, और यही सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने होगी। तो बेंगलुरु में आज शाम होने वाली डिनर से पहले विपक्ष के तमाम दलों ने एक ही सुर में BJP पर हमला बोल दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि लोकतंत्र पर सरकार की ओर से किए जा रहे हमले के खिलाफ 26 पार्टियां एकजुट हुई हैं। वहीं आप नेता राघव चड्ढा, उन्होंने कहा कि विपक्ष के इस कुनबे को देखकर BJP को नींद नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, उन्होंने कहा कि ये मीटिंग 2024 की दिशा को तय करेगा। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। पहले भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई गई थी BJP, अभी जो पटना में 24 पार्टियां आई थी, देखिए पटना में 24 पार्टी थे, बेंगलुरु में 26 है। हाँ, फर्स्ट इट वॉज 24 इन पटना, इट इज 26 इन बेंगलुरु। जो ये एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनवा बना है, आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही है, भाजपा डरी हुई है। और कल की जो गतिविधियां हैं वो ये साफ कर रही हैं कि मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी, और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? 24 की दिशा बदल गई 100%, 99 भी नहीं। प्रचार था कि एक तरफ मोदी जी अकेले हैं, मोदी जी को हराने के लिए विपक्ष की बैठकें हो रही हैं, इतने विपक्ष की पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि NDA के पास भी बहुत घटक दल हैं, छोटी छोटी पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों को लुभाने में भारतीय जनता पार्टी भी लगी है, तो ना तो मोदी जी अकेले हैं ना विपक्ष अकेला है।